ये अटैक कितना इंपॉर्टेंट है, डू यू थिंक दिस विल कंटिन्यू, दिस विल एस्केलेट, या फिर चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं अभी भी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैं सर। तमाम कौम से जो है वो दुआ की अपील करूंगा कि कम से कम किसी एक में तो गैरत हुई कि उसने एक जो इसराइली रियासती दहशतगर्दी थी जिसको मगरब की मुकम्मल सपोर्ट और बैकिंग हासिल है, उसके ऊपर कम से कम किसी ने तो जो है वो जो है चुप का रोजा जो है वो तोड़ा। इससे पहले भी 330 मिसाइल जो है वो इस्माइल हानिया की शहादत के बाद दागे गए थे। बाकी तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हिजड़े ही साबित हुए हैं, और इससे ज्यादा मैं और क्या, इससे कम तर लफ्ज मेरे पास है नहीं। वेरी ट्रू। देखें, हकीकत बात यह है कि आप कहते हैं कि मजलूम कश्मीरी हैं, आप कहते हैं मजलूम फलस्तीनी है। खुदारा ये जो ढोंगला और ये ढोंग की बातें हैं ये करना बंद कर दें, क्योंकि मजलूम वो नहीं है, वो तो जहाद कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक। मजलूम तो वो हैं जिनके पास हथियार हैं, जिनके पास मईशत है, जिनके पास इस्तात है, जिनके पास फौजें हैं, और वो जो है उसके बावजूद चूड़ियां पहन के बैठे हुए, तो मजलूम तो वो हुए ना। अब दूसरी बात यह है कि ये जो हमला था ये तो होना ही था। इसकी पहले बड़ी वाजह वजह यह है कि मैं आज ही ईरानी सफीर से ताजियत के लिए गया था। कमाल यह है कि वहां लबनान के सफीर जो है वो आए हुए थे ताजियत की किताब में लिखने के लिए, यानी कि उनके मुल्क में ने तो इजाजत भी नहीं दी कि वो वहां एक ताजियत ही रख लें। ईरान ने अपना परचम जो है वो सरनगू किया हुआ था। देखें, मतलब मुझे अफसोस है कि आखिर कहां गई वो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये तो फिर इकबाल की क्या ये असार जो थे वो तोबा अखबार गलत थे? अगर वो सही थे, अगर वो दुरुस्त थे, तो ये मुझे बताएं कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसा दहशतगर्द जो है, जो कातिल है मासूमों का, आप मुझे ये बताएं, उसने अभी चंद दिन पहले जो उसकी स्टेटेड पॉलिसी आई थी, उसने कहा कि ईरान और पाकिस्तान हमारे टारगेट हैं और हमारे लिए खतरा है, ये उसके अल्फाज हैं। आप अगर आज आप नहीं खड़े हुए, यकीन मानिए कि आपको याद है कि जब ये जंग शुरू हुई थी, इसके अवाइल में थी 7 अक्टूबर के बाद 2023, तो मैंने और आपने ये बात की थी टीवी के ऊपर, और मैंने कहा था कि ये जंग फैलेगी खित्ते के अंदर, और मैंने ये भी गुजारिश की थी कि ना सिर्फ ये खित्ते में फैलेगी बल्कि ये एक बहुत बड़ा अलाव बन जाएगा जिससे पूरा खित्ता जो है और पूरी दुनिया का अमन जो है वो तकलीफ में आ सकता है। आज आप देख लें, अभी ईरान के ऊपर अगर देखे, अमेरिका ने फौरन क्या किया कि अपनी सलामती काउंसिल की मीटिंग बुला ली। अमेरिका को जो बाइडन को क्या यमन में नहीं नजर आया इंसानियत का? क्या उनको जो है गजा के अंदर नहीं नजर आता, कश्मीर के अंदर नहीं नजर आता? क्या अभी जो लबनान के अंदर दहशतगर्दी हुई वो अमेरिका को नजर नहीं आई? जो एक दहशतगर्द को उन्होंने अमेरिका का वीजा जारी किया और नेतन्याहू वहां आया, जिसको आलमी अदालत इंसाफ ने जो है वो बकायदा दहशतगर्द करार दिया हुआ है, उसको किसने जो है इजाजत दी कि वो वहां आए और यूनाइटेड नेशन में तकरीर करे और लोगों के जो है वो जज्बात के ऊपर जो है वो जलती हुई तेल का काम करे? ये देखें, इसके ये दुनिया के स्टैंडर्ड बड़े हैं। एक तरफ अमेरिका जो है वो मजम्मत करता है तो दूसरी तरफ $8 बिलियन की जो है वो एड दे देता है। मसला ये है कि तेल अवीव के अंदर जो है ये हमला हुआ है, इसे बड़ा वाजे नजर आ रहा है। आप देखें ना टीवी स्क्रीनों पे क्या नजर आ रहा है कि जो उनका आयरन डोम का जो एक ढोंग था वो तो खत्म हो गया। आयरन डोम को तो वो क्रॉस करके तेल अवीव शहर के ऊपर इस टाइम पे आग बरसा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी सर अभी सुन रहा था, मैं एक शख्स को रिपोर्ट कर रहे थे वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, वो कह रहे हैं कि 91 की गल्फ वॉर इजरायलियों को याद आ गई है आज। और बट सर एक चीज भी तो है ना, हम ये जानते हैं कि इजराइल के लिए जितना आसान लबनान, गजा और यमन को टारगेट करना था, इतना आसान ईरान को टारगेट करना नहीं होगा। इतना कमजोर नहीं है ईरान जितने ये तीन जगहें थी जिसे पहले टारगेट किया गया। और ईरान भी अगर अटैक करेगा अब्दुल्ला साहब, तो सिर्फ ये 400 मिसाइल की कहानी तो नहीं होगी ना, वो तो फिर मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर मिसाइल भी दाग देगा, कुछ रहेगा नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि नेतन्याहू का जो आखिरी खिताब था कल का, उसमें वो तो ईरान को कह रहे थे कि मैं आपको जल्दी आज़ाद करवा दूंगा ईरानी लोगों, और हम साथ होंगे, हम एक होंगे बहुत जल्द, वो वक्त दूर नहीं है। तो जल्दी पे तेल का काम भी उन्होंने किया है। डू यू थिंक ईरान का ये अटैक मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, या आपको लगता है कि ईरान ये अटैक करके बैकफुट पे आएगा? सर देखिए, मुझे महसूस ये हो रहा है, पहली बात यह है कि कल के जो बयान था बेंजामिन नेतन्याहू का, वो तो उसका मुंह काला हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा काला किया है कि आज ये पूरी दुनिया उसके कालक मलते हुए देख रही है। अच्छा, अब मसला यहाँ यह है कि दूसरी तरफ ईरान का,
देखिए ईरान का जब बूट फ्रॉम ग्राउंड आए, जबकि लबनान के अंदर उन्होंने बकायदा इसराइल ने इस हद तक आगे पागलपने में गया रियासती दहशतगर्दी को बढ़ाते हुए कि उसने जो अपनी बर्री फौज थी उसको उठा के वहां भिजवा दिया। नतीजा यह हुआ कि इसके ऊपर रिएक्शन तो आना था। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे जो जज्बात भड़के में है, ईरान इसराइल ये सोच रहा है कि जो जो बाइडन है उनके होते होते मैं जो कुछ कर लूं और इस इलाके के अंदर जो है मैं ऐसी थानेदारी करूं कि वो दुनिया देखे। देखें उन्होंने कहा है कि उर्दन का इलाका उनका है इसराइल ने, ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। उसके बाद ये उनके कैनेसेट के ऊपर लिखा हुआ है, जो उनकी नेशनल असेंबली है कैनेसेट उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है कि दजला से फरात तक जो है ये जमीन सारी उनकी है और उसके अंदर वो सऊदी अरब तक जो मक्का और मदीना खास तौर पे जो ये खैबर का किला है जहां एक आखिरी मार्का हुआ था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयादत के अंदर, वो गजवा जो खैबर था उसके अंदर तक वो खैबर को अपना इलाका कहते हैं, ये उन्होंने बकायदा बताया हुआ है। वो पाकिस्तान के हवाले से अपने मनफी रुझानात और ख्यालात रखते हैं। कल आप देख लें कि 1998 में और इसी तरह से 1988 के अंदर पाकिस्तान न्यूक्लियर के ऊपर वो हमला करना चाहते थे, आप ये बातें तो खुल चुकी हैं। और आज भी वो पाकिस्तान के जो है वो शदीद मुखालिफ हैं क्योंकि उनको पता है कि आग की दीवार कायम होगी और वो सिर्फ पाकिस्तान बना सकता है। ईरान के मुतलिक अभी तक ये कहा गया कि वो उसके पास, देखें अभी उनकी एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं हुई, उनकी नेवी इस्तेमाल नहीं हुई, उनके जो है वो दीगर जो अभी उनका सिस्टम्स हैं जिसके अंदर बर्री फौज भी है, उनकी गुरिल्ला फौज है। वैसे अब्दुल्ला साहब अभी ये खबर भी आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब अलग से एक ऑफेंस क्रिएट किया जा रहा है, वो भी अटैक करना शुरू कर रहे हैं अपनी ताकत से। अब सवाल आपसे यही है सर, हम जानते हैं इसराइल का नौकर है अमरीका, अमरीका का नौकर है पाकिस्तान। इससे पहले भी जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी सर, मेक एंड ब्रेक सिचुएशन थी, मुशर्रफ साहब ने अमेरिका का साथ दिया और हमने देख लिया मुल्क का हाल क्या हुआ, आज तक हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। डू यू थिंक अनदर मेक एंड ब्रेक सिचुएशन इज राइट हियर, एक और ऐसा मौका आ रहा है जैसे पहले भी आ चुका है, हमें सोचना होगा कि हमें किसका साथ देना है, हमारी जो पुरानी नौकरी है वो हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छी है कि नहीं सर? अमेरिका एक जो है ना वो दहशतगर्द का साथ दे रहा है। अगर आप देखें, आप जिंदा रहें तारीख में का और मौजूदा जिंदगी में जिंदा रहने वाले कोई जिंदा नहीं होते, तारीख में लोग जो जिंदा रहते हैं उनका नाम होता है। मुशर्रफ जो है उसने इतना बड़ा वो जालिम था, इतना बड़ा वो कौमी मुजरिम था और आलम इस्लाम का मुजरिम था जिसने अमेरिका के साथ यारी लगा के अपने पड़ोस के ऊपर जो है वो अमेरिका को इजाजत दी आने की। नतीजा क्या हुआ कि दहशतगर्दी की ये जंग जो है ये ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गया और पाकिस्तान वो लुढ़का कि आज तक लुढ़कता आ रहा है। मेहरबानी करके हमारा दफ्तर खारजा जो है वो दफ्तर खारजा का किरदार अदा करे, दफ्तर खारजी का किरदार ना अदा करे। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल मेक एंड ब्रेक पोजीशन है। अगर पाकिस्तान अल्लाह करे कि हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में इतनी गैरत और हमियत जाग जाए और वो अलामा के शेर को समझने की कोशिश करें कि गुलामी में काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो रोक के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। देखें अगर इनको समझेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आलम इस्लाम में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुमताज मुकाम हासिल कर लेगा। हमने तो बहुत ही कमजोर बना लिया, हमने तो ये बता दिया कि जनाब नहीं मईशत मईशत मईशत, वो भाड़ में गई मईशत। दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क अमरीका है, 33.3 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज तरीन मुल्क है और उसके बाद आप देखें कि वो अपनी फौजी ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर कोई मसाइल मुश्किलात तकालीफ नहीं है, लेकिन हमने मईशत के जो है वो गले में टॉक डाल लिया और नतीजा ये हुआ कि हम ना जो है वो 3 में रहे और ना 13 के अंदर। भाई आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, दुनिया की जो है चौथी बड़ी न्यूक्लियर पावर है, दुनिया को 4 दफा तहबाला करने की सलाहियत रखती है। मेहरबानी करके अब बड़ा कोई इकदाम ले, खड़े हो जाए, इतना कह दें कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इसके ऊपर अपना पर हमला तसव्वुर करेगा। यकीन माने कि मैं आपको बताऊं कि इस खत्ते के अंदर नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। इसराइल अगर दम दबा के ना भाग गया तो मेरा नाम आप तब्दील कर। सर बैगर्स आर नॉट चूजर्स, ये शहबाज शरीफ के वर्ड। ओ प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज तला जतोई साहब प्लीज, ये मुझे से ना आप बताएं, आप तो बड़े मोमिन आदमी है यार। आप मैं वजीर आजम को कोट कर रहा हूँ सर, ये लोग कैसे जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन हाउ कैन दे डू इट, डू यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देम, आपको लगता है ये कर सकते हैं? सर फॉर गॉड सेक, बैगर्स की बात अगर आप करें कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे आल औलाद उन पर कुर्बान,
जिस दिन अल्लाह ताला ने उनको अपने पास मेहमान बुलाया और दुनिया से पर्दा फरमाया, आप मुझे बताएं उनके घर में खाने के लिए था? चिराग में रोशनी के पैसे थे? क्या उनके पास 2 गज जमीन थी अपनी? नहीं। तो क्या बात कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान जो कांटों के ऊपर जो चलता था, जो शुरू में जिसके मुतल्लिक कहा गया था कि 3 महीने बाद पाकिस्तान भारत से वापस माफी मांग के घुस जाएगा, वापस रम हो जाएगा, वो पाकिस्तान मईशत के ऊपर था। जिस दिन मईशत थी उस दिन पाकिस्तान टूट गया था। पाकिस्तान उस टाइम पे एशियन इकोनॉमिक टाइगर था। जब मैं अपने सवाल को थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ, मैं आपसे पूछ के आ रहा था इशारतन, सर वो वजीर आजम जो इतने दबाव में हो, वो हुकूमत जो इतने दबाव में हो, वो अदलिया जो इतने दबाव में हो, वो कौम जो इतने दबाव में हो, वो इदारे जो इतने दबाव में हो, क्या वो इतने दबाव में ऐसे हालात में सही डिसीजन फैसला ले पाएंगे? अब्दुल्ला साहब, दबाव इनके जाती है ना भाई, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके सारे इंटरेस्ट बाहर हैं, इन्होंने मैं क्या, मेरे मुंह से अब मैं टीवी बैन हो जाएगा आपका भी और मेरा भी जो है गिरफ्तारी हो जाएगी, मैं क्या मुंह से बोलूं? आप मुझे ये बताएं, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं है। जो जाके अभी मुझे देखें, वजीर आजम साहब ने तकरीर अच्छी की, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत की, तकरीर अच्छी की उन्होंने, लेकिन क्या उनको यूनाइटेड नेशन की तारीफ करनी चाहिए थी? किस बात की तारीफ की है भाई? खुदा को मानो, यूनाइटेड नेशन जैसा बेगैरत इदारा पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलता। जो नजर आ रहा है कि किस तरीके से लोगों के साथ जुल्म और ज्याति के साथ उनके साथ खड़ा होता है, दहशतगर्दों के साथ खड़ा होता है, जो भाड़ में गई ऐसी जमहूरी अंदाज, आप मुझे ये बताएं ये जमहूरियत है कि जो पूरी दुनिया के ममालिक कहते हैं कि जी इसराइल जो है वो गलत कर रहा है और एक मुल्क आके वीटो कर देता है, ये जमहूरियत है? लानत है ऐसी जमहूरियत के ऊपर। अगर ये कैसी जमहूरियत है जहां हम इसराइल को रियासत नहीं मानते हैं लेकिन इसराइल के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो सेनेटर मुश्ताक गिरफ्तार हो जाते हैं? ये और अभी 7 तारीख को एहतजाज की इजाजत इस्लामाबाद में नहीं दी जा रही। अंदाजा करें, फलस्तीन का परचम जो है वो लहराने के ऊपर पुलिस आपको पकड़ लेती है। क्या कर रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं? ये नहीं, यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते। अल कुरान, या तो ये कुरान को मान लें या फिर ये इसराइल को मान लें, दूसरी बात क्या है पीछे भाई? थोड़ा सा किरदार दिखाएं, थोड़ा सा आप जो है, आप जब शमशीर और सना अव्वल पे रहेंगे तो फिर आपको अल्लाह ताला इज्जत देगा। आप तो ताऊस और रुबाब के ऊपर आए हैं, आप तो ये कहते हैं कि जनाब बस के चार पैसे मिल जाए, यहाँ IMF से खैरात क्या मिलती है कि हम लोग यहाँ बगले बजा रहे हैं, खुशी के शादियाने बज रहे हैं, लोग पता नहीं ऐसे ढोल ताशे पे डांस कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बड़ी जो है वो उम्र यार की जंबील मिल गई है, कौन से खजानों की जो है वो चाबी इनके हाथ लग गई है। अब्दुल्ला साहब, एक चीज तो वाजह है, चलें इसराइल को पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं होगा अगर वो ईरान से जंग करे, लेकिन अफगानिस्तान से यकीनन कुछ ना कुछ खौफ होगा जहां अमेरिका भी 20 साल हार कर गया है। देखिए, ईरान के पास, अफगानिस्तान के पास जो सिचुएशन है ना, वो कोई ऐसी नहीं है कि वो वहां जब तक कि वो जमीनी दस्ते जो है भिजवाएं तो वो एक और बात है, लेकिन जंग शुरू हुए 1 साल हो गया है। अफगानिस्तान से अभी तक कोई ऐसा मैंने कोई सुना नहीं कि वहां कोई मुजाहिदीन के दस्ते या कोई ऐसे जो फिदाई थे वो गए हों। बहरहाल देखें, फिदाई हमले और दहशतगर्द हमलों में बहुत बड़ा फर्क हुआ करता है। फिदाई हमले अपनी मुल्क की इज्जत और नामूस के लिए किए जाते हैं, उसकी हुरमत के लिए किए जाते हैं, उसकी आजादी के लिए किए जाते हैं, जबकि दहशतगर्दाना हमले वो होते हैं जो TTP करती है। देखें, असली मसला यह है कि इस टाइम पे पूरे अरब दुनिया को बिलखसूस, क्योंकि ये तो बारी बारी है, देखे ना वही हुआ ना लबनान के ऊपर, यमन के ऊपर, सीरिया के ऊपर, अभी ये जॉर्डन के ऊपर आएंगे, आप देखें ये नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने अपना पैगाम दिया हुआ है और वो इसराइल पागल हुआ हुआ है, इसराइल को समझ नहीं आ रहा, किसी को उसको नकेल डालनी पड़ेगी। ये एक ऐसा इकदाम है जिसकी बुनियाद के ऊपर कम से कम इसराइल को एक सुबकी का सामना तो करना पड़ेगा ना दुनिया के अंदर। लेकिन अभी अमेरिका मदद क्या क्या करेगा? अगर अमेरिका मदद करेगा, याद रखें कि ये जंग खुदा ना खास्ता कहीं जौहरी की तरफ ना चली जाए, क्योंकि ये जौहरी हथियार ईरान के पास मौजूद है, ये दुनिया को मालूम है अच्छी तरीके से। लेकिन अगर जौहरी की तरफ गए, क्योंकि वो कहते हैं ना लास्ट ऑप्शन क्या होगी, लास्ट ऑप्शन अगर खुदा ना खासा हो गई तो फिर तो मेरे ख्याल में बड़ा मसला होगा। आप देख लें, अंदाजा ये करें, हमारे आपका तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उस दिन एक जलसा था और उधर हसन नसरल्ला की शहादत हो जाती है, और मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में इतनी बड़ी जो है वाकया नहीं होता, और हसन नसरल्ला साहब की शहादत के ऊपर हमारा जो है वो यहाँ
फोकस तमाम ये था कि जलसे में कितने लोग आए और कितने लोगों को वो क्रेने लेके गए। ओ भाई, ये तमाम की तमाम चीजें सियासत वगैरह चलती रहेगी। मेहरबानी करके आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, किबला अव्वल के लिए कम से कम एक मिसाल बन के साथ खड़े हो जाएं, इताअत को अपनाएं और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें। डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अंग्रेजों का है, मुसलमानों का नहीं है। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, लेकिन वही वाली बात है कि बस अब इनको अल्लाह हदायत दे। हम तो यही कह सकते हैं अब्दुल्ला साहब, कल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इंटेलिजेंस चीफ्स पार्लियामानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे सिक्योरिटी सूरत हाल पर ऑन बलूचिस्तान एंड KPK, वहां पर टेररिज्म हम जानते हैं किस तरह बढ़ रहा है। डू यू थिंक कि अब उनकी तैयारियों में काफ़ी तब्दीलियां आएंगी, उनकी प्रेजेंटेशन में काफ़ी तब्दीलियां आएंगी और वो इस सिचुएशन को भी कंसिडर करते हुए पार्लियामेंट को ब्रीफ करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, और पार्लियामेंट अभी से अपने लोगों को एतमाद में लेगी अपने फैसले के हवाले से, या पार्लियामेंट रिलैक्स बैठी रहेगी? सर पहला जो तो साहब देखें, बात यह है कि पहली बात मैं आपको ब्रेकिंग ये दे दूं कि इस टाइम पे वो ब्रीफिंग कैंसिल हो गई है। ओके। जो आर्मी के सरबराह ने और दीगर अहम लोगों ने, शख्सियात ने, जिन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग देनी थी, वो ब्रीफिंग कैंसिल हो गई है। ये बात तो आपको मैं बता दूं। दूसरी तरफ जो है वो बात यह है कि इसके ऊपर बिल्कुल पार्लियामेंट का फौरी हंगामी इजलास होना चाहिए, बजाय इसके कि अब जो आईनी तरमीम तो फलाने ढिमकाने पे, यहाँ आलम इस्लाम जो है उसके ऊपर कुफर का हमला है। आप आलम इस्लाम के सबसे मजबूत तरीन मुल्क हैं, कुछ तो अपना जिम्मेदारी का एहसास शो करें। आप अपने कायद की पॉलिसी को ही ले लें, आप अपनी डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी को समझ लें। अगर उसके मैं उससे हट के कोई बात कर रहा हूं तो मुझे पकड़ें। देखें, असली बात यह है कि इस टाइम पे पार्लियामेंट के साथ बैठ के फैसला करके अपनी जमहूरियत को मजबूत करते हुए एक मजबूत मौकफ लें और इसराइल को एक दफा शटअप कॉल दें। अगर इसराइल को आपने शटअप कॉल ना दी तो मेरी बात आप तल्हा जतोई साहब लिख लें कि इसराइल तो जो करेगा करेगा, ये हिंदुस्तान आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि हम जो मर्जी कर लें इसराइल और हिंदुस्तान, अमेरिका ने हमारे लिए सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है।